सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी आप कैसे पा सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर कर भी आप कैसे अपना करियर जो है बेहतर राह पर लेके जा सकते हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी हमने देने की कोशिश की है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र है, और प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी क्या है कि टैलेंटेड जो युवा है उनकी जो डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए क्या है कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके अंदर कैंपस जो प्लेसमेंट वगैरह भी दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर क्या है कि अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है, जैसे कि बीटेक, बीईसीए, मैनेजमेंट जो कोर्सेज होते हैं, या फिर आईटी के संबंधी जो भी कोर्स होते हैं उनके अंदर क्या है कि आसानी से जॉब प्राप्त हो जाती है, और अच्छा खासा पैकेज वगैरह भी मिल जाता है। और काफ़ी जो कंपनियां हैं वो ऐसे जो टैलेंटेड युवा है उनको क्या है कि खोज भी करती रहती है, और अच्छी खासी जो उनको फ्रेशर के तौर पर अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। जैसे जैसे उनका अनुभव यानी कि दोस्तों एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, वैसे वैसे क्या है कि उनकी सैलरी पैकेज भी बढ़ता रहता है। यानी कि दोस्तों प्राइवेट लाइन के अंदर भी काफ़ी सारे आप जो पैकेज, अच्छे खासे सैलरी पैकेज आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज तो हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो दोस्तों उसके बाद आप क्या है कि कौन से कोर्स करके प्राइवेट जॉब अच्छी खासी पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप आईटीआई कर कर भी अपना करियर जो है बेहतर बना सकते हैं। आईटीआई के अंदर क्या है कि अनेक प्रकार के कोर्सेज होते हैं, उनमें से आप जो भी आपको इंटरेस्टेड है जिस भी कोर्स के अंदर, उनमें से आप एक कोर्स चूज करके 1 या 2 वर्ष इनकी क्या है कि अवधि वगैरह इनकी रहती है, और 1-2 वर्ष जैसे ही आपकी ये कंप्लीट होती है वैसे ही आपको क्या है कि अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है। ये अप्रेंटिसशिप क्या है कि आपके जॉब करने का जो ट्रेनिंग होती है वो ही आपको प्रोवाइड की जाती है। ये क्या है कि अप्रेंटिसशिप क्या है कि आपके एक्सपीरियंस के अंदर काउंट की जाती है। जैसे ही आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाती है वैसे ही क्या है कि आपको ये एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है, जो कि आप अलग कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर जॉब लेते हैं तो आपको क्या है कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आसानी हो जाती है। यानी कि दोस्तों आईटीआई क्षेत्र भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है प्राइवेट जॉब वगैरह पाने के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। इस पॉलिटेक्निक की अवधि क्या है कि 3 वर्ष की रहती है। इस कोर्स को करने के बाद क्या है कि कंपनी आपको क्या है कि फ्रेशर के समय आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पर क्या है कि आपको पोस्ट देती है। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे आपका क्या है कि एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी पैकेज भी आपका बढ़ता रहता है। और इस पॉलिटेक्निक के अंदर आपको क्या है कि जैसे ही आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं आपको एक डिप्लोमा जो है मिलता है। और जहाँ तक आप आईटीआई की बात करें दोस्तों, आईटीआई के अंदर आपको क्या है कि सर्टिफिकेट आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, और डिप्लोमा के आधार पर क्या है कि आपको कोई भी प्राइवेट जो कंपनी है उसके अंदर क्या है कि आसानी से आपको जो है जो पोस्ट वगैरह दे दी जाती है। नहीं दोस्तों, आप वहाँ पे काम वगैरह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो दोस्तों आपके पास भी कई ऐसे प्रोफेशनल कई कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर आप जो है अपना जो भी इंटरेस्टेड जो भी है कोर्स है वो आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स जो है कर कर अपना करियर जो है बेहतर बना सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद क्या है कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आर्ट्स है, या फिर जो एजुकेशन है, या फिर दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर आपको क्या है कि जो भी आपका इंटरेस्टेड जो भी सेक्टर है यानी कि दोस्तों जो भी आपका क्षेत्र है उसके अंदर आप जा सकते हैं। और वैसे तो दोस्तों जो भी ग्रेजुएट होते हैं उनको क्या है कि आसानी से जॉब मिल जाती है, लेकिन दोस्तों आपके पास क्या है कि कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस तो कम से कम होना चाहिए, ताकि क्या है कि आप उस एक्सपीरियंस के द्वारा क्या है कि आप अच्छे से जॉब प्राप्त कर सकें। और जैसे जैसे दोस्तों आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या है कि आप किसी अन्य कंपनी के अंदर अच्छा खासा जो वेतन यानी कि दोस्तों सैलरी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और वैसे ही आपका पैकेज भी बढ़ता जाता है। और दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं, प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, तो सबसे पहले दोस्तों रिज्यूम होता है। रिज्यूम क्या है कि आपको एक अच्छा सा रिज्यूम आपको बनवाना होगा, और आपको पूरी पूरी सही सही जानकारी उस रिज्यूम के अंदर आपकी देनी होगी। आपको रिज्यूम क्या है कि
एक अच्छे तरीके और प्रभावी तरीके से बनाना होगा, ताकि क्या है कि आपको जो मिलने में आसानी हो सके। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही आपका रिज्यूम चेक हो जाता है, वैसे क्या है कि आपको क्या है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आपके लेवल को आपको अप रखना है, यानी कि दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप रहेगा तो क्या है कि आपको आपसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको उनके जो आंसर्स जो है अच्छे से देने होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल अच्छा रहेगा तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर जो आंसर देते हैं, तो दोस्तों आपको जो है चयनित होने के जो है चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप प्राइवेट नौकरी भी आप पा सकते हैं, और आसानी से प्राइवेट नौकरी आपको मिल भी जाती है, और अच्छा खासा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका पैकेज भी बढ़ता ही जाएगा। यानी कि दोस्तों प्राइवेट नौकरी करना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्राइवेट नौकरी के अंदर भी काफ़ी सारा आप जो वेतन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा खासा अपना करियर जो है बना भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।